वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल इज अ फिजिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग द अनदर टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी। द नेम ऑफ चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट, यू नो दैट वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द क्लास 11 पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ एम जी एच। एम दैट मीन्स अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी दैट मीन्स अ ग्रेविटी विल बी इक्वल ऑफ 9.8 एंड एच दैट मीन्स अ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस। ये हमने क्लास 11th में देखा है, बट क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट विद द फर्स्ट रिविजन टॉर्क। ओके स्टूडेंट, टॉर्क, व्हाट इज द मीन ऑफ द टॉर्क, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट, टॉर्क दैट मीन्स अ टाउ विल बी इक्वल ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फर्स्ट वन, सेकेंड वर्क डन, वर्क डन दैट मीन्स देखिए वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, ये सेकेंड डेरिवेशन था। नाउ वी टेकिंग द थर्ड डेरिवेशन रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है वो हो रही है बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, मतलब आप बिल्कुल पहले समझ लीजिए पोटेंशियल एनर्जी अगर जो क्लास 12th में पूछा जाएगा तो आपको किसके लिए करना है, ड्यू टू टॉर्क, ड्यू टू वर्क डन, ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, नाउ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट वन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मीन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल में जब यूनिफॉर्म की बात करते हैं, यूनिफॉर्म दैट मीन्स एक जैसा। हियर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, कॉन्स्टेंट हो, इक्वल हो, तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म। नाउ वी टेकिंग द वेक्टर बी, व्हाट इज द मीन ऑफ द वेक्टर बी, बी दैट मीन्स अ सिंबल हु डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर, वेक्टर बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर बी। सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा, वेक्टर बी, व्हाट इज द मीन ऑफ द वेक्टर बी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस, वन साइड एरो, वन साइड एरो दैट मीन्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टू साइड एरो दैट मीन्स अ यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। हर एक छोटे छोटे बात पर फोकस करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेट, यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। याद रहेगा यहाँ पर कितना कंपोनेंट है, वन कंपोनेंट है, और जब मैं यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो वहां पर दो कंपोनेंट होंगे, बी एंड एच, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एच दैट मीन्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये सब हमको फ्यूचर में देखना है। ओके स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट विद द सिंपल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। ओके स्टूडेंट, लेट वी कंसिडर एन एस इज अ एनी बार मैग्नेट, एन एस इज अ एनी बार मैग्नेट। यहाँ पर एन डैश एन डैश दैट मीन्स अ सेकेंड पोजिशन ऑफ बार मैग्नेट, फर्स्ट पोजिशन डिफाइंड बाय द एन एस, सेकेंड पोजिशन डिफाइंड बाय द एन डैश एस डैश। ओके स्टूडेंट, लेट एंगल विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल ऑफ थीटा। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखें, यहाँ पर एंगल विल बी इक्वल ऑफ थीटा। नाउ वी डिफाइंड अनदर डायग्राम, पैरेलल लाइंस दैट मीन्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डायपोल, या बोल सकता हूँ बार मैग्नेट विल बी इक्वल ऑफ एन एस। ओके स्टूडेंट, एन एस विल बी इक्वल ऑफ थीटा, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, उसका नाम कितना दे रहा हूँ, पी। लेट वी कंसिडर पी इज अ पॉइंट वेयर वेयर बोथ परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। स्टूडेंट, नाउ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट विल बी इक्वल ऑफ 2L, व्हाट इज द मीन ऑफ द 2L, 2L दैट मीन्स अ इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट एंड O is a center theta angle and P that means a perpendicular intersecting point angle will be equal of 90 degree। बोलिए स्टूडेंट, इतना आपको समझ आया, मुझे क्या करना है स्टूडेंट, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ यू
पाई बाई टू कॉमा थीटा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पाई बाई टू से थीटा किसी भी बार मैग्नेट को 90 डिग्री से, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है ये ले लीजिए 90 डिग्री, या तो ये ले लीजिए 90 डिग्री, 90 डिग्री से थीटा घुमाने पर जितना भी वर्क डन होगा, और टोटल वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा एंगल, द वर्क डन आर नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय यू। मतलब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, मुझे डिफाइन करना है यू इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई टू थीटा एंड डी थीटा। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज अ पोजिशन ऑफ बार मैग्नेट, व्हेन बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट, इट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड पोजिशन ऑफ मैग्नेट। तो इस मैग्नेट की इस पोजिशन को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड पोजिशन। नाउ डेफिनेशन, हु डिफाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन एनी पोजिशन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मैग्नेट फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजिशन टू दैट पोजिशन। समझिए फिर से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर एन एस एनी बार मैग्नेट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस पोजिशन आर नोन एज द स्टैंडर्ड पोजिशन। जब स्टैंडर्ड पोजिशन से हम किसी भी बार मैग्नेट को थीटा, कितना डिस्प्लेक्शन दे रहे थीटा, तो यहाँ पर जितना भी वर्क डन होगा वर्क डन कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी यू विल बी इक्वल ऑफ इंटीग्रेशन पाई बाई टू टू थीटा डब्लू डी थीटा। ओके स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड डब्लू, डब्लू दैट मीन्स अ वर्क डन। तो मुझे ध्यान से देखिए, मुझे वर्क डन निकालना, तो वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ कितना होता है, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा, टॉर्क विल बी इक्वल ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट विद द सिंपल डेरिवेशन रिलेटेड टू टॉर्क। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, टॉर्क। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द टॉर्क, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। ओके, फर्स्ट वन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी कंसिस्ट एनी बार मैग्नेट एन एस, एन नॉर्थ पोल, एस साउथ पोल। लेट अस कंसीडर स्मॉल एम, दैट मींस अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल नेमिंग कैपिटल पी सच दैट एंगल विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री। ओ इज अ सेंटर ऑफ बार मैग्नेट एंड हियर एंगल विल बी इक्वल ऑफ थीटा विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल वी कैन से दिस एंगल ऑल्सो विल बी इक्वल ऑफ थीटा। ओके स्टूडेंट, हियर वी डिफाइन 2L, व्हाट इज द मीन ऑफ द 2L, दैट मीन्स अ इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। स्टूडेंट, नाउ वी डिफाइन द फोर्स। समझे सर, ये जो चीज आपको बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मीन ऑफ द टॉर्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रोड ऑफ साइकिल, एक साइकिल की रोड है जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, बोथ फोर्स आर इक्वल, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड टू फोर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड मैग्नीट्यूड आर सेम, दिस टाइप ऑफ कंडीशन, दिस टाइप ऑफ फोर्स आर नोन एज द टॉर्क। मैंने क्या बोला सर, जब दो फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो ऐसे फोर्स को क्या बोला जाता है, टॉर्क। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द फोर्स, फोर्स इक्वल टू, इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इक्वल टू क्यू ई, इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन द केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्यू रिप्लेस बाय द स्मॉल एम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्लेस बाय द मैग्नेटिक फील्ड सच दैट एफ इक्वल टू एम बी, ठीक है, और यहाँ पर एफ इक्वल टू एम बी, मैग्नीट्यूड आर सेम एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्क वी कैन से टॉर्क इक्वल टू एनी वन फोर्स, एनी वन फोर्स
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके स्टूडेंट, टॉर्क दैट मीन्स अ टाउ एनी वन फोर्स इनटू एफ, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. स्टूडेंट नाउ सिंपल ट्राइंगल एन एस पी. ओके स्टूडेंट, हियर एंगल विल बी इक्वल ऑफ थीटा एंड दिस विल बी इक्वल ऑफ 90. ठीक है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, बचा हुआ बेस. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ एन पी. बोलिए आपको समझ आया? ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ एम पी. क्यों? क्योंकि सर हमने बचपन से देखा है 90 के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ एन पी. ओके स्टूडेंट, नाउ टॉर्क दैट मीन्स अ टाउ विल बी इक्वल एनी वन फोर्स, चाहे अपवर्ड वाला लीजिए डाउनवर्ड ले लीजिए अपने ऊपर है, तो एम बी इंटू एन पी. ओके स्टूडेंट, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया स्टूडेंट? इन ट्राइंगल एन पी एस. इन ट्राइंगल एन पी एस वी यूज अ साइन थीटा. साइन थीटा विल बी इक्वल ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. ओके स्टूडेंट, वी नो दैट वेरी वेल, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल रहे, याद है अभी सभी को? तो साइन थीटा विल बी इक्वल ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर विल बी इक्वल ऑफ एन पी एंड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस विल बी इक्वल ऑफ एन एस. ओके स्टूडेंट, सो सिंपली वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल ऑफ एन पी एंड वैल्यू ऑफ एन एस. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एन एस विल बी इक्वल ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट विल बी इक्वल ऑफ 2L. समझ आ रहा है? ये जो एन एस है ये किसके इक्विवेलेंट है स्टूडेंट? 2L के. सो बाय यूज ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एन पी विल बी इक्वल ऑफ 2L साइन थीटा. स्टूडेंट नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन पी सच दैट वी गेटिंग टाउ इक्वल टू एम बी इंटू 2L साइन थीटा. ओके स्टूडेंट, देन आफ्टर देखिए ध्यान से देखिए, सो वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्क. क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? ठीक है, बी को मैंने आउटसाइड लिखा, एम इंटू 2L एंड साइन थीटा. ओके स्टूडेंट, सो फाइनली बाय डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक है, कैपिटल एम विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल एम इंटू 2L. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सो एम इंटू 2L विल बी रिप्लेस बाय कैपिटल एम. सो फाइनली वी गेटिंग टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ सिंपल एक्सप्रेशन हु डिफाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क. नाउ स्टूडेंट वी टेकिंग द अनादर इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट द वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी बाय रिप्लेस ऑफ द साइन थीटा. स्टूडेंट वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्क इन द फॉर्म एम बी साइन थीटा, बट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स अ टोटल इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन. ओके स्टूडेंट, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन दैट मीन्स अ डब्ल्यू विल बी इक्वल ऑफ टाउ इंटू डी थीटा. वी नो दैट वेरी वेल. सो बाय डेफिनेशन by definition of work done, by definition of work done we can say W equal to tau into d theta. What is the mean of the d theta student? D theta represent the small rotation, so will be equal of dw. समझे student? अगर जो total angle theta है, so total work done will be equal of d. सॉरी थीटा दैट मीन्स डब्ल्यू, सो डी थीटा विल बी इक्वल ऑफ डी डब्ल्यू. याद रहेगा स्टूडेंट, डी थीटा दैट मीन्स स्मॉल रोटेशन, सो वर्क डन विल बी स्मॉल इन द फॉर्म ऑफ डी डब्ल्यू. सो फाइनली वी गेटिंग डी डब्ल्यू विल बी इक्वल ऑफ टॉर्क, टॉर्क विल बी इक्वल ऑफ एम बी साइन थीटा डी थीटा बाय यूजिंग द स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट. वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू, बट
According to the demand of the question, we have to find the value of potential energy. Potential energy, student ध्यान से सुनेंगे, the last and most important concept, potential energy. That means U will be equal of, potential energy will be equal of total work done. Total work done, that means the work done will be equal of dW. तो मुझे total निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, integration dW. First one. And what is the mean of potential energy rotated from pi by 2 to theta? Standard position से theta घुमाने में जितना भी work हुआ उसे को हम क्या बोलेंगे, potential energy. Such that we can write U equal to pi by 2 theta and value of dW will be equal of mv sine theta d theta. Okay student, so u equal to integration d theta, matlab theta wala andar baki sab bahar, so we getting mb pi by 2 theta sine theta d theta. Okay student, dekhiye u will be equal of mb, इंट्रीगेशन साइन थीटा विल बी इक्वल ऑफ माइनस कोस थीटा, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दैट मीन्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कोस एक्स होता है और इंट्रीगेशन नेगेटिव होता है, सो इंट्रीगेशन ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल ऑफ माइनस कोस थीटा लिमिट पाई बाई टू टू थीटा. ओके स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बताऊंगा मैथमेटिक्स स्टूडेंट, जब अपर लिमिट लोअर लिमिट में और लोअर लिमिट अपर लिमिट में ट्रांसलेट होती है, चेंज होती है, तो पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव और नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, सो वी कैन राइट यू इक्वल टू एम बी, नेगेटिव कोस थीटा बिकम पॉजिटिव कोस थीटा, अपर लिमिट कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ लोअर एंड लोअर कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ अपर, सो फाइनली यू गेटिंग यू इक्वल टू एम बी cos theta limit theta to pi by 2. Now, how to solve limit student? Upper limit minus lower limit. So, cos pi by 2 minus cos theta. Okay, student. So, u will be equal of mb cos pi by 2. Cos pi by 2, that means cos 90. Kitna hota? 0. Cos 90. Student, just focus, cos 90 will be equal of 0, so we taking 0, 1, 0, 1, 0. Okay student, 0 minus cos theta, so finally we getting u equal to minus mb cos theta. Okay student, solution for the potential energy, ध्यान से देखिए student, what is the mean of the potential energy, पहले धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है, जब अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन से, व्हाट इज द मीन ऑफ द स्टैंडर्ड पोजीशन, परपेंडिकुलर विद द मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई. ओके स्टूडेंट, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स अ स्टैंडर्ड पोजीशन, और स्टैंडर्ड पोजीशन से जब ये रोटेट होगा, कितना भी रोटेशन ले, रोटेट होते टाइम जितना वर्क डन होगा are known as the potential energy. That means we can say work done will be equal to potential energy. Okay student, मतलब हमको सिर्फ इतना सा याद रखना है, U will be equal of integration dW and from standard position, that means pi by 2 से कितना rotate कर रहे हैं student, theta. So we can say U equal to integration pi by 2 to theta and dW. बस हमारा क्वेश्चन इतना है, ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट, सिंपल डेफिनेशन रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी. नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ द वर्क डन, वर्क डन दैट मींस टॉर्क इनटू डी थीटा, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क एंड टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ध्यान से सुनिए सर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मुझे निकालना है यू, U इक्वल टू होता है इंट्रीगेशन dW, दैट मीन्स अ टॉर्क इनटू डी थीटा, और टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, टॉर्क.
चलिए ध्यान से देखिए, टॉर्क दैट मींस आर एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? 90 के सामने हाइपोटेनस एंगल के सामने परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ एन पी। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा। सो बाई यूज ऑफ द साइन थीटा वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एन पी। यहाँ पर पुट कर दीजिए, विल बी इक्वल ऑफ एम इंटू ट्वेल्व। एम इंटू ट्वेल्व विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल एम। कैपिटल एम दैट मीन्स अ मैग्नेटिक मूवमेंट। सो वी गेटिंग टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, फर्स्ट वन। ओके स्टूडेंट, हमने क्या निकाल लिया? टॉर्क। टॉर्क को पुट कर दीजिए। सो वर्क डन, वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना हम घुमा रहे हैं? थीटा, तो थोड़ा सा लीजिए डी थीटा। सो स्टूडेंट, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल ऑफ एम बी साइन थीटा डी थीटा। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल ऑफ एम बी साइन थीटा। एम बी बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन थीटा विल बी इक्वल ऑफ माइनस कोस थीटा। इंटीग्रेशन साइन थीटा विल बी इक्वल ऑफ माइनस कोस थीटा। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड फाइनली वी गेटिंग यू इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा। ओके स्टूडेंट, इसी एक्सप्रेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर यू इक्वल टू वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, यहां पर मुझे मिला है एम क्रॉस बी। इन द केस ऑफ द टॉर्क वी गेटिंग एम क्रॉस बी, बट इन द केस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वी गेटिंग एम डॉट बी। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द 100% सॉल्यूशन रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्या करेंगे स्टूडेंट? जस्ट लाइक माई वीडियो एंड शेयर बिटवीन द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज 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 स्टडी ऑल सब्जेक्ट एंड ऑल क्लासेस फ्रॉम अवर चैनल। थैंक यू सो मच।